चुनाव कोई भी हो, साम दाम दंड भेद शय और मात, हर खेल यहाँ खेला जाता है। और जैसे कि कहा भी जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है, पर ये यूपी है, यहाँ सियासत में कुछ भी संभव है। दरअसल भाजपा ने पूर्ण बहुमत का इतिहास तो रच दिया, लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि 3 सीटों पर भाजपा हारी क्या, वहां भीतर घात हो रहा था भारी? अपनों ने ही खेल खराब कर दिया और हार का मैदान हो गया तैयार। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए। भाजपा 3 सीट हारी या भीतर घात भारी, अपनों ने किया खेल खराब, एक एक सीट का फुल हिसाब। भाजपा ने एमएलसी चुनाव को जीतकर भले ही इतिहास रच दिया हो, भले ही विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन आजमगढ़ और वाराणसी में मिली हार ने भाजपा में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बाहुबली बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा के हाथों मिली हार के बाद भाजपा के सुदामा पटेल ने हार का ठीकरा अपने ही पार्टी के नेताओं पर फोड़ा है। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता, लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद, कितने लोग रिसीव कर रहे हैं, अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल हैं, यही हार का कारण है। विशेष तौर कार्यकर्ता केवल चाहिए गिनती कराने के लिए, तीनों जिले के वोट के लिए, वोटों की। उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम किए। यानी आज काउंटिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे? बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे कि नहीं लगे रहे, ये भी आप सीधा देख सकते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ और आज भी, तो कहां कहां कार्यकर्ता देखे आपने? अब आप भी देख सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, चूंकि प्रत्याशी के रहने वाले हैं आप, वाराणसी के सारे नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, आर ओ टेबल पे कौन। लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या वाकई इन सीटों पर भाजपा में भीतर घात हुआ? क्योंकि अगर हुआ है तो सवाल बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ 2 सीट नहीं थी बल्कि इनमें से एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था, तो दूसरा समाजवादी पार्टी का किला, जिसे भेदने का भाजपा के पास सुनहरा मौका था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।